ओके पुत्र, तो मॉड द नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल तक आई सपोज थानू क्लियर है सारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये डेफिनेशन लिख लो कि मॉड ऑफ एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स, ठीक है, ऑन द रियल एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। वो कहते हैं मॉड एक्स नू एवं सोचो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा क्योंकि डिस्टेंस भी तो 0 तो वड्डा ही होंगे, है ना। ओरिजिन अगर छड़ दिए तो कोई भी नंबर लीए डिस्टेंस तो 0 तो वड्डा होंगे, इतने 0 ले लिया। कहता जिवें लास्ट वीडियो वाले एग्जाम्पल लें, हूँ आ 2 है, सो वट इज़ मॉड ऑफ 2। मॉड ऑफ 2 है 2 का डिस्टेंस ओरिजन तो, हाँ जी ओरिजन तो 2 का डिस्टेंस किन्ने, लेंथ किन्नी है, 2 ही है। देयरफॉर मॉड ऑफ 2 विच इज डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम ओरिजन इज 2, ठीक है। और -2 का लेंथ किन्नी है बेटे, तो लेंथ तो ए भी किन्नी है, 2 ही है, डिस्टेंस तो 2 है। यदा मतलब डिस्टेंस कि -2 का कि ओरिजन तो किन्ना है, 2 है, ठीक है। सो मॉड ऑफ एक्स कोई भी एक्स लइए, एक्स इधर है भावे नेगेटिव साइड पे, दैट बेसिकली गिव्स द लेंथ, इसे करके प्लस आंसर आ जाता है गल खत्म। या एवं सोचो जो लास्ट लास्ट मैं थोड़ा तो पूछा कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, तुम आंसर प्लस -2 दिता से। हम इस व्यू पॉइंट ने सोचो वो की कहें, वो कहें वो वाला एक्स दसो जिन्हों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 है, कि एक्स है जिन्हों का डिस्टेंस 2 है, एक +2 तो एक -2, तो मतलब एक्स इज +2 और -2, एवं सोचिए तो भी आंसर ठीक है, ठीक है। सो याद रखना है मॉड एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं एवें करा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला ला दाँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आ बेटे ओरिजिन हो गया, ठीक है। इनू चलो जिवें तुसीं 10th च फॉर्मूला पढ़िया, मैं तुहानूं इस व्यू पॉइंट ने समझाउणा है। इत्थे एक पॉइंट लै लो कोई एक्स कॉमा 0, ठीक है। एक्स इधर भी लै सकदे हो, एक्स नैगेटिव साइड ते लै सकदे, कितें भी हो सकदा। हुण इन्हां दोनों पॉइंटां च जिहड़ा डिस्टेंस है, एक्स ते 0 0 दा डिस्टेंस मैं हुणे दस्सिया किहदे बराबर है, मॉड एक्स दे बराबर है, ठीक है। और है डिस्टेंस ते डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगेगा, किहदे बराबर होएगा, x2 - x1² x - 0² हाँ जी प्लस 0 - 0², ठीक है। तो सिंपलीफाई करके ना आ गया तो 0 हो गया, सो आ कितना हो गया अंडर रूट ऑफ x², ठीक है, किहदे बराबर है, इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। इनू हले फिलहाल संभाल के रख लो, मैं दसदा यदि सिग्निफिकेंस ते आना, ठीक है। सो इन संभाल ली। हुण मैं ना तुहानू एक क्वेश्चन पूछदा, वट इज अंडर रूट ऑफ 4, 2 के -2, जिहड़े ते प्लस माइनस 2 कह रहे हो ते बिल्कुल पापी हैगे, प्लस माइनस 2 नहीं पुत्र होंदा, अंडर रूट ऑफ एनी रियल नंबर। पहली गल तो अंदर 0 या 0 तो वड्डा नंबर का ही अंडर रूट निकलता है, और अगर 0 तो वड्डा नंबर अंदर रखे तो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, अंडर रूट कदे भी नेगेटिव नहीं आता। तो रूट एक्स वेर एवर डिफाइंड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट 0, नंबर 0 तो वड्डा लावेंगे अंडर रूट 0 तो वड्डा ही आएगा, अंडर रूट कदे नेगेटिव नहीं आएगा। तो ए तो पक्का है कि अंडर रूट ऑफ 4 2 है, ठीक है। अच्छा पर फिर मैं बच्चों को पूछता हूँ ना कि चलो इदा कर दें, अंडर रूट ऑफ 4 मैं एवं लिखदा, 4 मैं लिख लिया 2², ठीक है, बिकॉज 2² 4 है, इस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर मैंने इदा लिख लिया 2² और अंडर रूट मतलब कितना होता बेटे, 1/2, ठीक है। और तुसी 10th च पढ़िया कि तुसी आ कैंसल कर सकते हो, तो कट के आंसर कितना आ गया 2 थोड़ा, ठीक है। फिर मैं कहना कि चलो इनू इदा कर दें अंडर रूट 4, हुण जिहड़ा 4 है पुत्र उन्होंने मैं एवें लिख लिया -2 का स्क्वायर, ठीक है। हुण आ हो गया -2 का स्क्वायर, आ पावर किन्नी है अंडर रूट होंदा 1/2, और आ भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, 10वीं तक तो तुम करते ही हो भी सर इन कट देता, आंसर -2 आ गया। और अंडर रूट 4 2 भी आ रहा, अंडर रूट 4 -2 भी आ रहा, सानू चलो इन्ना पता ही है कि 2 है, तो सटनली सैकेंड वाला लॉजिक कितना कितने गलत है। सो इतें तुम 10th क्लास तक जो कटते सी जनरली अंदर नंबर पॉजिटिव होंदा सी, इस करके फर्क नहीं सी पैंदा। हुण तुसी एक चीज़ सीखो, इत्थे देखो की कहिंदा है, ये कहिंदा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अंडर रूट मतलब पावर 1/2, ते तुसी कटिया आंसर एक्स नहीं लिखिया, उन्हें आंसर की लिखिया मॉड एक्स। इहदा मतलब दिस इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट कि अगे तो स्क्वायर नू स्क्वायर रूट ना कट्टोगे, आंसर जो एक्स नहीं लिखोगे, जिहड़ा नंबर है उहदा की पाओगे, मॉड एक्स लिखोगे। सो कैंसल करन दे बाद देख सकते हो ना, स्क्वायर नू अंडर रूट अगर मैं कटिया आंसर एक्स नहीं आया, जिहड़ा नंबर अंदर है उहदा मॉड आया, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इहदा मतलब इत्थे अगर मैं करैक्शन करा, तो जब मैं इनू स्क्वायर नू
ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ, ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਮੋਡ, ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਮੋਡ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਫ ਐਕਸ ਲਿਖੇ, ਐਫ ਐਕਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਐਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਐਫ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਕੁਐਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 2n, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਈਵਨ ਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਐਕਸ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ 8 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/8, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਡ ਐਕਸ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਰੂਟ ਜਦ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਡ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਕੁਐਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਈਵਨ ਰੂਟ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮੋਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਔਡ ਰੂਟ ਕੱਟਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਡ ਰੂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਔਡ ਰੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਈਵਨ 'ਚ ਮੋਡ ਆਏਗਾ, ਔਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਬੇਟੇ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਡ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਥ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਸਕੁਐਰ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਲੇਮੈਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਮਚਿਓਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਮੋਡ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਲਿਖੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਐਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਡ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਟ ਐਵਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੇਟਾ ਸਟੇਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਜੀਕਲੀ ਆ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 4, ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾਤਾ। ਨਾਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡ, ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ 1 ਆਫ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਟ ਆਣੇ, ਸੋ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 2 0, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 2, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 4 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ 2 ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਵੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੂਟ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੂਟ ਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੂਟ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ 2 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਆਇਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 2 ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੜੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ ਏ, ਰੂਟ ਏ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਬੇਟੇ ਉਹ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਪਾਰਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਮੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਲਿਆ। ਨਾਓ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਲੋਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਲੱਭੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
वो कहता जी ओ एक्स लबो जिना दा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दो तो वड्डा है, यही कह रहा ना, मॉड एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ एक्स लभने हैं जिना दा डिस्टेंस दो तो वड्डा है। अच्छा दो डिस्टेंस किना दा सी, एदा एदा डिस्टेंस दो है ते माइनस टू का डिस्टेंस भी दो है, ठीक है समझ आ रही गल पुत्र। हुण वो की कहंदा है, कहंदा जी एदे एक्स ओ आंसर हैगे है किहड़े किहड़े एक्स बेटे जिन्हां दा डिस्टेंस दो तो वड्डा है। हुण सोच के देखो इत्थे तक डिस्टेंस दो है, जिवें असीं इधर नूं जावांगे आ सारे पॉइंट जिवें थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ये सारे पॉइंट वो है जिन्हां दा डिस्टेंस दो तो ज्यादा है, इधर सारे पॉइंट तीन हो गया, तीन दा डिस्टेंस ओरिजिन तो तीन है, मॉड ऑफ थ्री इज थ्री, सो सारे ये नंबर आ वाले इन्हां दा डिस्टेंस दो तो ज्यादा, यदा मतलब ये भी साढ़े एस इनइक्वालिटी नूं सैटिस्फाई कर दे, समझ आई गल, आ सारे इधर वाले। अच्छा उदे आ डिस्टेंस इत्थे तक भी दो है, ते जे मैं इधर नूं जावां परले बन्ने नूं आ वाले नंबर लवां जिवें माइनस थ्री, माइनस थ्री दा ओरिजिन तो डिस्टेंस किन्ना है थ्री, ठीक है वो भी दो तो ज्यादा है, मतलब जिवें इधर जावां लेफ्ट साइड ते ए वाले सारे नंबर भी वो रियल नंबर है जेड़े मेरे इनू सेटिस्फाई कर दे या जिन्हां दा डिस्टेंस दो तो ज्यादा है। इहदा मतलब प्रैक्टिकली आंसर की होया, आ वाले नंबर भी सेटिस्फाई कर दे प्लस आ वाले भी कर दे, सो आ नंबर केड़े है बेटे, माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू, माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू, आ भी साढ़े नंबर सेटिस्फाई कर दे, कोई भी नंबर लो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लो पुट करो, माइनस थ्री का मॉड थ्री, थ्री दो तो वड्डा है बिल्कुल ठीक, प्लस आ वाले भी कर दे, आ वाले किहड़े है टू टू इनफिनिटी दो तो वड्डे सारे, तीन लो चार पांच छे पुट करी जाओ सारे का डिस्टेंस दो तो ज्यादा, सो आ भी आंसर है साडा प्लस आ भी, इहदा मतलब यू नहीं, आ गल समझ आनी चाहिए ठीक है। सो गल समझ आ गई, सो इहदा मतलब की हो गया कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन टू, आंसर की आ गया आ नंबर दो है, इत्थे दो लिखिया बिल्कुल ऑपोजिट माइनस दो, आंसर की आया सारे रियल नंबर जिहड़े दो तो वड्डे है प्लस सारे रियल नंबर जिहड़े माइनस दो तो छोटे है, ठीक है आ साडा आंसर आ गया। अच्छा हुण सोच के वेखो जे मैं दो दी बजाय इत्थे दो दी बजाय कोई नंबर मैं चेंज करदा, लेट अस से मैं तीन करदा ते की होएगा, अगर मैं इत्थे तीन करदा पुत्तर इत्थे थ्री आ जाएगा, समझ आ रही गल, सो हुण की होगा, लेट मी जस्ट चेंज अ बिट, नाउ मैं कहां मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, हुण मैं की चाह रहा वो नंबर दसो जिना डिस्टेंस तीन तो वड्डा, तो फिर असं की करांगे, ठीक है पहले तीन डिस्टेंस किना दा है इत्थे जी तीन, एदा थ्री का डिस्टेंस भी थ्री है, फिर इत्थे माइनस थ्री का डिस्टेंस भी थ्री है, ठीक है फिर हुण तीन तो वड्डा किना दा होएगा जिहड़े नंबर इधर दे पासे सारे ए, सो ए किना आएगा, आ वाले आंसर किना आणगे हांजी थ्री टू इनफिनिटी, हांजी प्लस होर डिस्टेंस तीन तो वड्डा किना इहनां दा सारे, क्योंकि जिवें पिछे जावांगे लेंथ तीन तो वध जाएगी, सो माइनस इनफिनिटी टू माइनस थ्री साडा ही आंसर आ गया, ठीक है समझ रही गल बेटे। सो इहदा मतलब जनरलाइज कर दिए कि इत्थे इन जनरल कह सकते हाँ कि हुण मैं इत्थे जनरलाइज करा देना पुत्तर, इहदा फॉर्मूला हुण तुसीं लिख लियो कि इफ आई से इत्थे जीरो इत्थे ए एक पॉजिटिव नंबर इत्थे माइनस है, इफ आई से कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ए, कहते जी ओ एक्स लभो जिन्हां का डिस्टेंस ए तो ज़्यादा है, तो हुणे जिवें मैं समझाया कि इत्थे इन्हां दोनों का डिस्टेंस ए होएगा, सारे आ वाले नंबर जिहड़े है इन्हां का डिस्टेंस ए तो ज़्यादा होएगा, ठीक है इदां इधर वाले, ठीक है सो आंसर की आएगा थोड़ा माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए ऑल दीज नंबर्स यूनियन हाँ जी ए टू इनफिनिटी, आ तोड़ा आंसर आ गया इस इनइक्वलिटी का, एनी गल समझ आनी चाहिए। अब लास्ट दो एग्जाम्पल पहला मैं ए की वैल्यू टू ली, फिर इतने टू सगा हाँ जी आ वाले नंबर दो तो वे, थ्री है तो थ्री आ जाएगा, ए है तो इतने ए आ जाएगा, ठीक है इधर ए है तो इधर कितना होएगा माइनस ए, बस आ याद रखो, सो अगर मॉड एक्स ग्रेटर ए है तो आंसर की आ गया दो सेट एड होके एक आ वाला एक माइनस ए तो पिछे प्लस ए तो वे, और अगर मैं इनइक्वालिटी लिखा इनइक्वालिटी किवें लिखा बेटे आ आंसर किन्ना है ए टू इनफिनिटी, मतलब इनू किवें लिखा एक्स इज ग्रेटर दैन ए सारे नंबर ए तो वे यूनियन का मतलब, और एक्स इज हाँ जी आ ग्रेटर दैन ए है कि लैस दैन माइनस ए है, आ नंबर एक्स इज लैस दैन माइनस ए, सो एक्स इज लैस दैन माइनस ए। पुत्र अगर अगे सवाल करने हैं तो आ आपू इन्नी गल क्लीयर होनी चाहिए है, और है बड़ा सिंपल, वो कहता जी मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो करो कि जे ग्रेटर देन का सिंबल देखा ए जरा आ वाला नंबर है ठीक
ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਫ 'ਚ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 3, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 3, ਔਰ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਏ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਤੇ ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਲੈਂਥ ਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਏ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਏ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ, ਸੋਰੀ ਓਪਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਤੋ ਅਗਰ ਮੋਡ ਐਕਸ ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਹ 3 ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਆ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਖੁਦ ਬਣਾਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੋ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਹੈ, 3 ਦਾ ਵੀ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 3 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੋ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਲ ਦੀਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਵ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 3, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 2 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦੀਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ, ਆਲ ਦੀਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਮਾਈਨਸ 3 ਟੂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ x belongs to minus 3 to 3, inequality ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ x ਹਾਂਜੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ minus 3 ਚ, 3 ਤੋਂ ਛੋਟੇ minus 3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ, 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ minus 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਗਰ less than ਹੋਵੇ ਤੇ a ਤੇ minus a ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ greater than ਹੁੰਦਾ ਤੇ a ਤੇ minus a ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। So mod x is less than 3, therefore x is lying between 3 and minus 3, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡ ਆਫ x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ x ਲੱਭੋ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, 3 ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਈਨਸ 3 ਟੂ 3 ਕਲੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਮੇਡ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ 1, ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਚਲੋ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਏ, ਦੈਨ ਦੇਰਫੋਰ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਏ, ਔਰ ਆ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਆ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਚ ਦੋ ਸੈੱਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਏ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਂਸਰ ਸੀ ਪਲੱਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਂਸਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ, ਔਰ ਯੂ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ
माइनस ए, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है तो स्क्वायर आ जाएगा यूनियन ए टू इन्फिनिटी। सो आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। सो ए लिखा, ए थे माइनस ए थे बार बार, और अगर पूछा जावे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए या इक्वल टू ए, वो लगभग जिना डिस्टेंस ए तो घट है तो केड़े केड़े पॉइंट है वाले, फिर अंदर अंदर वाला आ जाएगा। सो लेस देन है तो ए और माइनस ए दे विच, और ए एंड होंगे, ये मतलब एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड माइनस ए, ए तो छोटे एंड माइनस ए तो वे, और होंगे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, मैं इंटेंशनली यू बार बार रिपीट कर रहा हैं। अगर ग्रेटर देन है तो और आएगा, यदा मतलब एद आंसर प्लस ए आंसर ऐड हो जाएंगे, और अगर लेस देन है तो लाइन बिटवीन ए एंड माइनस ए, ठीक है। और इन इन इक्वालिटी च लिखोगे तो माइनस ए तो लैके ए दे विच विच, और अगर इतने इक्वल टू है तो स्क्वायर कर दो, है ना, और अगर इक्वल टू नहीं है तो राउंड कर दो, दैट इज सो ऑब्वियस, ठीक है। और सर्टनली ए, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव होएगा जीरो होएगा बाद देखेंगे। चलो हुण मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देना, ठीक है, लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। हाँ जी, हाँ जी, हुण लेट अस रिकॉल, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हाँ जी, आंसर क्या आएगा, एक्स इज ईदर लेस देन माइनस ए और एक्स इज ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगेन आ याद होवे, ग्रेटर देन है ए ते माइनस ए दे बार बार, ए किन्ना साडा थ्री, आ हुण अंदर वाला साडा एक्स हो गया। सो दिस एक्स इज ईदर लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस माइनस थ्री, और मतलब जो यदा आंसर है जिवें इत्थे सी ना, दिस प्लस दिस ये दोनों साडे आंसर सी, एड यूनियन किया। सो दिस इज ईदर लैस दैन माइनस थ्री और दिस वट एवर इन साइड इज ईदर ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री। आ गल समझ आई कि नहीं, ठीक है, आ साडा एक्स हो गया बेटे, तुसी एक्स मान लिया, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन थ्री, ईदर दिस एक्स इज लैस दैन माइनस थ्री और दिस एक्स इज ग्रेटर दैन थ्री, ठीक है। सो ग्रेटर दैन है तो ए और माइनस ए बार बार, ठीक है। मैं तो ओवर एम्फोसाइज ही कर रहा हूँ, बट आई नो वाई एम डूइंग इट, बिकॉज फिर थोड़ा ये मुड़ के मैं गलतियां नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन है तो और पाना, ठीक है। सो बस ठीक है, और पा के ए तो वड्डा माइनस ए तो छोटा, ठीक है, आ ए है तो, सो हम इन्हें सॉल्व कर लो। सो यदा आंसर आ गया एक्स इज लैस दैन इक्वल टू, इधर ले जाओ बेटे माइनस टू और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर, ये साडा आंसर आ गया, ठीक है। सो अगर आंसर इंटरवल फॉर्म च लिखना है तो की आएगा, एक्स बिलोंग्स टू, हाँ जी, एक्स लैस दैन माइनस टू, एक्स लेस देन माइनस टू, हाँ जी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वल टू है, और द मतलब यूनियन फोर टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इधर कितना तक बेटे, इन्फिनिटी तक, सो यूनियन फोर टू इन्फिनिटी। सो आ साडा सोल्यूशन सेट आ गया, आ भी लिख लो भावे आ भी लिख लो, ये वो सारे नंबर है जिहड़े इत्थे पुट करांगे, साडा ओवरऑल आंसर तीन तो वड्डा आएगा। एक रैंडम चेक कर लो, फोर टू इनफिनिटी च कोई ले लो, एक फाइव ले लो, फाइव माइनस वन फोर, फोर का मॉड फोर, फोर थ्री तो वड्डा, एक एच ले लो, दो तो छोटा नंबर ले लो, जीरो ले लो, ठीक है, नहीं इतने मैं गलत लिखा, दिस इज माइनस टू, इतने माइनस टू आएगा, ठीक है। सो माइनस दो तो छोटा लो कोई, माइनस थ्री, सो इतने माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस फोर, वह मॉड फोर, फोर थ्री तो वड्डा है, बिल्कुल ठीक है, ये सारे नंबर सैटिस्फाई कर दे। सो की करया करो, एनू एक्सपोज कर लो, जे ग्रेटर दैन है तो और करके लाता, अगर लैस दैन है तो एंड करके, जिम्मे दस तुम, लेट सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिम्मे आ दसो हूँ, तुम खुद करो पॉज करके, आ खुद सॉल्व करो, हाँ जी, एनू एक्स मान लो, ठीक है, दिस इज योर एक्स, ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ए, देयरफॉर दिस एक्स इज लेस देन माइनस फाइव और दिस एक्स इज ग्रेटर देन फाइव, बस गल खत्म, आ साडा एक्स, सो कितना हो गया इहदा मतलब आंसर, सो टू एक्स माइनस थ्री इज ईदर लेस देन माइनस फाइव, और मतलब जो आंसर है ऐड करांगे, ऐड का मतलब सेट वाइज यूनियन करके लिखना, ठीक है, ऐड वाले नहीं कि लीनियरली तुसी जमा कर देना, इज ग्रेटर देन फाइव,
ठीक है, आ स्टेप मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ आना चाहिए था, बस गल खत्म फिर हूँ। इन इन सॉल्व कर लो, सो 2x इज लैस दैन, हाँ जी इधर 3 -5 -2, ठीक है, x इज लैस दैन 2 ना डिवाइड कर दिए, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हाँ जी इन अदर ले जाओ, 2x इज ग्रेटर दैन 8, हाँ जी 2 ना डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर दैन 4, जिसका मतलब साडा आंसर की आ गया, x इज लैस दैन -1, हाँ जी वो की होगा -1 तो पीछे कितने तक, -20 तक, सो मतलब -∞ to -1, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ते हॉलो, सो -∞ to -1, और मतलब यूनियन 4 to ∞, एक्स बिलोंग्स टू आ साडा सोल्यूशन सेट है, ठीक है बेटे, बड़ा सौखा, ठीक है ही कुछ नहीं है, जैसे मैथ्स ते वही कुछ नहीं है, जो चंगी तरह समझ आ रहे हो ना, तो इट्स प्रीटी इजी। चलो एक एंड वाला भी कर दें, मॉड ऑफ 3x -2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ जी दसो, आ साडा एक्स हो गया, एक्स हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, हाँ जी जे भूल जाए ना डिस्टेंस वाला याद रख लो, कि डिस्टेंस ए तो कट, मतलब ए और माइनस ए, तो देयरफॉर एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड माइनस ए, क्योंकि एथ इक्वल टू एथ भी लाता, सो देयरफॉर दिस एक्स इज लाइंग बिटवीन 5 and -5, बस गल खत्म, हुण तुसी सियाने हो सारे, उन्होंने सॉल्व कर लो, कि एक्स सानू चाहिए तो टू खत्म करना है, तो तिना पासे टू ऐड कर लो, हाँ जी 2 -5, ठीक है, एंड -2 + 2 इधर भी ऐड, तो 5 + 2, सो आ हो गया -3, आ कट्टा गया, ठीक है बेटे, बाकी हुण एक्स चाहिए तो 3 ना डिवाइड कर दो, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर ना डिवाइड करांगे, साइन च कोई फर्क नहीं पाएगा, इधर भी डिवाइड, ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप कर ली है ना, अदरवाइज यू कैन इजली राइट ओरली एज वेल, हाँ जी कितना आ गया -1, आ एक्स 7/3, आ साडा आंसर आ गया, और इंटरवल्स लिखना है तो हाँ जी एक्स बिलोंग्स टू -1 तो लेके 7/3 तक, क्योंकि इक्वलिटी भी है, तो आ साडा आंसर आ गया, ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है, ठीक है, तो चलो एक होर सवाल करके दिखाओ जरा। ओके मैं क्विकली करूँ एक, ओके पॉज करके फटाफट करो, ठीक है, चलो आंसर मैच कर लो, आ एक्स हो गया, सो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, मॉड एक्स इज लेस देन ए, एक्स मस्ट लाई बिटवीन ए एंड माइनस ए, मैं कैपिटल एक्स लिया, ठीक है, सो आ मेरा कैपिटल एक्स हो गया, सो दिस 5x + 2 इज लाइंग बिटवीन, हाँ जी 3 and -3, बस बाकी तो फिर यूजुअल 2 खत्म करो, माइनस कर दो तो ना बस, सो -3 -2 -5, 5x 3 -2 1, 5 ना डिवाइड कर दो, -1x and 1/5, ठीक है, इंटरवल फॉर्म च एक्स -1 तो लेके 1/5 तक, ठीक है, वो की कह रहा है एक्स -1 तो लेके 1/5 दे विच है, रियल नंबर लाइन पे एवं लिखांगे, क्योंकि -1 ते 1/5 इंक्लूड नहीं है, हॉलो आऊगा इंटरवल च -1 तो 1/5, आ साडा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है बेटे, चलो थोड़े एक एक अद्धा होर मैं इनवॉल्व सॉल्व करा, मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 लेट्स से -5 इज, हम देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं, देख के आराम ना कर दें, लेट्स सी, हाँ जी पहला आ मॉड के अंदर, वैसे तो पहला मॉड के अंदर जो भी है उन्हें एक्स मान लो, आई समझाया तेन, वे मॉड के अंदर वट एवर है अंदर शुरू करो, असड एक्स हो गया, सो ये लिखा की है, अगर कैपिटल एक्स है मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, हाँ जी यदा आंसर क्या आएगा, एक्स इज ईदर लैस दैन इक्वल टू -1 और एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है, यदा मतलब जो यदा आंसर आएगा, और मतलब ऐड कराएंगे जो आंसर आएगा, ठीक है, चलो करिए फिर, ठीक है, चलो लेट्स डू इट, सो देयर फोर इज आ साडा एक्स, ठीक है,
वाला, इधर दिस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और दिस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हूँ आना पूछो क्यों आया के लिखे, ठीक है, और मतलब जो वेदा आंसर आएगा उनमें ऐड करें, ठीक है। सो आई एम ओवर रिपीटिंग एक्चुअली, बट ये जरूरी है थोड़ा बार बार रिपीट करवाना, नहीं तो थोड़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर थोड़े बिल्कुल हम दिमाग से गल बह जाएगी, थोड़ा भुलेगा नहीं कदेगी, ठीक है। एंड वेदर लै जाओ, सो आ जाएगा फोर और, ठीक है, और ये आंसर कॉमन लवेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसे करके और एंड पाने जरूरी होंगे, ठीक है। एंड वेदर लै जाओ कि आ जाएगा, हाँ जी सिक्स, यद मतलब वट एवर यद आंसर आएगा प्लस यद जो भी आएगा आप उन्होंने यूनियन कर देंगे। हूँ आप इनू सॉल्व कर लें, हमने देखो की है ए हूँ थोड़ा कि टाइप का आ गया, हूँ एनू भुल जाओ कि कितों आया, हूँ सिर्फ इतने फोकस करो। मॉड ऑफ सम नंबर इज लैस दैन फोर, मॉड एक्स इज लैस दैन फोर, देर फोर एक्स इज लाइंग बिटवीन फोर एंड माइनस फोर, सो गल खत्म। देर फोर दिस एक्स जो कि साढ़ा एक्स माइनस टू है इज लाइंग बिटवीन फोर एंड माइनस फोर, समझाई गल बेटे, बस इन्हों सॉल्व कर लिए, टू एड कर दो माइनस टू एक्स एंड सिक्स, सो आ साडा कि आंसर आ गया, एस पार्ट का आंसर आ गया। सो यदा जो आंसर आएगा उन्होंने ऐड करांगे, यूनियन करांगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, हुण इहनू सॉल्व करदे हां, हुण ए की कहिंदा है, लुक एट दिस, ए कहिंदा है कि मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन सिक्स, हाँ जी ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, देयरफॉर दिस एक्स आ वाला वट एवर दिस एक्स इज ईदर लेस देन माइनस सिक्स और दिस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। आ गल समझ आनी चाहिए है बेटे, इतों इतने आए हैं, इधर पिछे की होया सानू कोई मतलब नहीं, आ स्टेप तो बाद आ ही आएगा, ग्रेटर देन का साइन है तो छे तो या वड्डे नंबर या माइनस छे तो छोटे, ठीक है। सो देर फोर हाँ जी इनू सिंपलीफाई कर ली, हाँ जी इधर आ जाएगा एक्स इज लैस दैन इक्वल टू माइनस फोर, आ बेटे टू इधर लै गया और हाँ जी इनू इधर लै जाओ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एट। अच्छा यदा मतलब आ भी और मतलब जो आंसर है इनू ऐड करेंगे, आ भी अभी और है तो यदा मतलब आ तीनों आंसर साढ़े ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इनू रियल नंबर लाइन पर बेटे शो करा तो की बनता है, हाँ जी की बनया, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एट, अठ तो वे किधर नंबर खब्बे पे सजे पासे, वेरी गुड, इतने ग्रेटर दैन इक्वल टू एट, हाँ जी। वो बाद आ कहता है एक्स इज लैस दैन इक्वल टू माइनस फोर, माइनस फोर इतने कितने होएगा, इक्वल टू भी कहता डार्क करता, लैस दैन इक्वल टू माइनस फोर, लैस दैन किधर है माइनस फोर, तो इधर किधर पिछले पास, बिल्कुल ठीक है, आ भी साढ़े आंसर आ गए, ठीक है, क्योंकि एक ही आंसर है ना, इस करके मैं सेम लैवल पर बना रहा, ठीक है, और है इट्स लाइक मान के चलो आ सेम लैवल, इट्स ऑन द सेम लैवल मैं ऐड कर रहा, ठीक है। अच्छा वो बाद इनू ऐड करना है माइनस टू टू सिक्स, माइनस फोर इतने है माइनस टू इतने होएगा, ठीक है, इक्वल टू भी है माइनस टू तो लैके सिक्स तक, माइनस टू तो लैके सिक्स अठ तो पिछे, और सो आ साडा आंसर इवेंचुअली इनइक्वैलिटी फॉर्म च, ठीक है, की लिखांगे आपां एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी इंटरवल फॉर्म च माइनस इनफिनिटी टू माइनस फोर स्क्वायर, क्योंकि क्लोज है यूनियन, माइनस टू टू सिक्स, ठीक है, यूनियन एट टू इनफिनिटी, ठीक है, आ साडा आंसर आ गया, ठीक है। वेखण नूं लगदा पता नहीं किन्ना औखा सवाल है ना, है तो सौखा है अगर कॉन्सैप्ट सीधा तो कुछ भी नहीं। हुण इन्हां नंबरां चों इन्हां चों इन्हां चों इन्हां चों कोई भी नंबर चको, तुसीं इत्थे फिल करो इस जगह पर, इत्थे ए वाला आंसर एक तो वड्डा आएगा, एक रैंडम चैक कर लो, अठ तो वड्डा लै लो कोई भी, दस लै लो, ठीक है, इत्थे प्लग इन देयर, टेन माइनस टू एट, एट द मॉड एट, एट माइनस फाइव थ्री, थ्री द मॉड थ्री, थ्री एक तो वड्डा, सो जस्ट वन चैक, आ सारिया चो कोई कोई भी रियल नंबर चको उन्हें सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो मैं आ एक बार एग्जाम्पल फिर थोड़ा फटाफट एडवाइस करा दा, तो हमेशा बेसिक तो याद रखो, पहला वड्डा मॉड है अंदर एक्स मान लिया, ग्रेटर दैन वाला है तो और होंगे, ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन वन, सो ईधर दिस एक्स इज ग्रेटर दैन वन और दिस एक्स इज लैस दैन माइनस वन, ठीक है, और बाकी और है यदा मतलब ये हो गया कि जोड़ा यद आंसर आएगा और जोड़ा यद आंसर आएगा उन्होंने आप यूनियन करा, हूँ दो सवाल बन गए, इनू भी सॉल्व कर लिया, ए वाला यदा आंसर आ गया, इनू सॉल्व कर लिया, यदा ए वाला आंसर आ गया, ये मतलब लास्ट उन्होंने ऐड करता गल कर, ठीक है, समझ आई गल पुत्र। सो इस करके आई होप इन्ना क्लियर है थोड़ा, ठीक है, कि होर एग्जाम्पल करा एक दो।
चलो एक आध एग्जाम्पल और कर लेना, ठीक है? ओके, मैं कहूँगा कि चलो काफी है, नहीं है, नेक्स्ट लास्ट करेंगे।